वेलकम गाइस, आज हम लोग जानेंगे व्हाई ओमेगा 3 सप्लीमेंट इज नेसेसरी। हमारे लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेना जरूरी क्यों है। फर्स्ट बेनिफिट, हमारे हार्ट के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। अमेरिकन जर्नल ऑफ हार्ट एसोसिएशन में एक बहुत अच्छा स्टडी पब्लिश बताया कि जो लोग ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेते हैं उनके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत अच्छे इंप्रूव रहते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उनको कम होते हैं। सेकेंड बेनिफिट, हमारे ब्रेन के और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है ओमेगा 3। अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में एक पब्लिश स्टडी से पता चला है कि जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको डिमेंशिया बहुत लेट होता है और बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शन, उनके ब्रेन के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। थर्ड बेनिफिट है, हमारे स्किन और हेयर के प्रॉब्लम सॉल्व करता है ओमेगा 3। जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, इस जर्नल में बताया गया है, एक स्टडी में बताया गया है कि जो लोग ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनका हेयर और स्किन में हाइड्रेशन रहता है, उनका हेयर में शाइन अच्छा रहता है, उनका हेयर में स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में ये हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो कहाँ से मिलता है, हमको या तो फिश ऑयल से ले सकते हैं या फिर अभी नेचुरल सोर्सेस जैसे कि सी एल्गे से भी मिलता है। तो हमको सी के सोर्सेस से ज़्यादा अच्छा विटामिन डी मिलता है जिसमें ईपीए और डीएचए का रेशो अच्छा होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। अभी हमको ये डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता ओमेगा 3, हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए पर हमारे डाइट को सप्लीमेंट करेगा, लाइक द वर्ड सजेस्ट सप्लीमेंट, हमारे डाइट को सप्लीमेंट करेगा और हमारी बॉडी को अच्छा रखने में और हेल्प करेगा। हम इंडियंस में वैसे भी ओमेगा 3 बहुत कम होता है, जनरली रेशो होना चाहिए जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो होना चाहिए जो 4:1 होना चाहिए, और इंडियंस में देखा गया कि 16:1, कहीं कहीं पे तो 20:1 है, मतलब इतना कम है ओमेगा 3 हमारे बॉडी में। तो हमको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा 3 को अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, अगर जानना चाहते हो तो डीएम अस, हमको मैसेज कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, विल रीच आउट टू यू। एंड और ऐसे वीडियो देखने तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।